आज हम धारवाड़ा एग्रो फार्म पर नेचुरल फार्मिंग से कैसे खेती होती है, कैसे हम जहर के बिना सब्जियां, फल और अनाज दालें कैसे हम पैदा कर सकते हैं, जिसमें कि खर्चा भी कम होगा और रसायन फ्री होने के कारण जिसमें गुणवत्ता अच्छी होगी, शुद्धता अच्छी होगी। तो आज हम इस धारवाड़ा एग्रो फार्म जो कि धारवाड़ा में स्थित है, जहाँ पर 2017 से प्राकृतिक खेती से ही जो सारी चीजें की जा रही है, सब्जियां उगाई जा रही है, आपने अभी देखा भी कि यहाँ दिन भर जो है यहाँ के जुड़े हुए जो क्लाइंट्स है वो आते रहते हैं और धीरे धीरे इनका उपयोग भी बढ़ रहा है, प्रचलन बढ़ रहा है, लोगों में जागरूकता आ रही है। और भले ही ये 10-15% महंगी उनको मिलती हो, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होने के कारण वो यहाँ से दिल्ली तक के ग्राहक जो आ रहे हैं, तो इस इलाके में, इस रेतीली मिट्टी में, इस आबोहवा में प्राकृतिक खेती की जो सोच बनी है वो 2017 में संजय जी ने शुरुआत की, जिसमें यशपाल जी हैं जो इसमें उभर के आए हैं कि प्राकृतिक खेती में, तो इन्होंने इस फार्म को आगे तक लेके आए हैं और ये अब हरियाणा में, और न केवल हरियाणा, राष्ट्र और इंटरनेशनल की जो टीम भी यहाँ पे विजिट करती है, इस फार्म की ख्याति दूर दूर तक पहुँच रही है। तो आज हम बात करेंगे यशपाल जी, जो कि प्राकृतिक खेती के एक्सपर्ट हैं, रेवाड़ी के जिले के एम्बेसडर भी हैं हरियाणा सरकार के प्राकृतिक खेती के लिए, और इनका काफ़ी अनुभव है, जो कि ये जहाँ से भी इनको थोड़ी शिक्षा मिलती है ग्रहण करते हैं और अपने अनुभवों से उसको यहाँ पे लागू कर रहे हैं और जिसका प्रचार प्रसार भी ये बखूबी कर रहे हैं। इनसे कोई भी किसान या कोई भी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या जैसे आप डिप्लोमा से आए हैं, कहीं से भी आए हैं, तो ये कुछ छिपा के नहीं रखते, जो भी अपने अनुभव हैं जो पिछले 6-7 साल से खेती कर रहे हैं वो सबसे ये साझा करते हैं, ताकि एक माहौल बने और सभी जागरूक हों, सभी इस चीज़ को अपनाएं। तो आज हम इस फार्म पर आकर के और अब यशपाल जी से बात करेंगे, ताकि वो अपने अनुभव आपको साझा करें। यशपाल जी, ये डेसी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, इनके 8 विजिट हो गए थे जिसमें ये आज यहाँ का प्रोग्राम बनाया है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप सभी का धारवाड़ एग्रो फार्म पे स्वागत है। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सन 2017 से हम इस फील्ड पे केमिकल मुक्त प्राकृतिक पद्धति से काम कर रहे हैं। शायद आप लोग पहले भी इस फील्ड पे विजिट करने आए हैं, कुछ आप लोगों में से कुछ साथी हैं जो हमारे पास क्लब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो उनकी रेगुलर टच में यहाँ पे है। बहुत पहले एक विजन लेके हमारे संजय जी चले थे, जो डायरेक्टर हैं यहाँ के, उनका एक विजन था कि कैसे हम अपने नियर डियर जो लोग हैं उनको केमिकल फ्री चीजें खिलाएं, और केमिकल फ्री चीजें खिलाने का एक विजन था, मगर कोई प्लानिंग नहीं थी। जैसे पीछे आप लोगों ने देखा कि श्रीलंका में कैसे नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग धराशायी हुई है, वहां पे खाने के जो खाद्यान्न पदार्थ थे उनकी कमी आ गई, अचानक से प्रोडक्शन डाउन पड़ गई, लोगों ने प्रैक्टिस सही से फॉलो नहीं करा, रसायन वहां पे सरकार ने बैन कर दिया। तो इस टाइप की स्थिति हमारे सामने ना आए, क्योंकि हमारी तो पॉपुलेशन उनसे बहुत ज्यादा आगे है, तो उन चीजों को मैनेज करते हुए हमने कुछ अपने विशेषज्ञ हैं, कृषि विशेषज्ञ जो हमारे पास बैठे हैं, डॉक्टर जयेश जी हैं, इनका बड़ा सानिध्य रहा है इस मामले में कि कैसे हम वीड को यहाँ पे कंट्रोल करके रखें, कैसे बिना उसके केमिकल के यहाँ पे हम इंसेक्ट को कंट्रोल करें, कैसे हमारी जो प्रोडक्शन है वो केमिकल फार्मिंग के बराबर आए, जो विपरीत परिस्थितियां रहती है उसमें हम अपनी क्रॉप को कैसे बचाएं। अब मान लो सर्दी का टाइम है, आपकी फसल पे फ्रूट सेट हो रखा है और पाला पड़ गया, तो उस पाड़े से केमिकल वाला फार्मर तो जाएगा मार्केट से सल्फर ले आएगा, उसका छिड़काव कर देगा और उसकी बचाव हो जाएगी। अब हमारे पास केमिकल का तो कोई सोर्स है नहीं, उसको कैसे प्रोडक्शन को बचाएं, कैसे हमारी फसल को उन चीजों से बचाएं, इस चीज को हमने धरातल पे यहाँ पे देखा है, उन चीजों को ऑब्जर्व करा। आप जैसे फार्मरों से पुराने नुस्खे निकाले, कुछ एक प्रैक्टिकल हमने जो अनुभव करा 17 से आज 23-24 आ गई है, उसके दौरान जो चीजें हमने साल दर साल हर सीजन में क्रॉप वाइज सीखी है, उन चीजों को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, आप लोगों के साथ साझा करते हैं, फील्ड पे भी उसको इम्प्लीमेंट में लाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जितनी भी क्रॉप है, चाहे वो रवि सीजन की हो चाहे खरीफ की हो, हम दाली फसलों की बात करें, अनाज की करें, फ्रूट की करें या वेजिटेबल की, इस सैंडी सोयल में, एनवायरमेंट में जो फसलें यहाँ पे इजिली हो सकती हैं
वो हमने केमिकल से बेस्ट आज की तारीख में कर लिए। ना तो हमने फ्रूट क्वालिटी के साथ समझौता कराया, ना हमने प्रोडक्शन के साथ किया। कोई कहे केमिकल वाला कि हम अगेती फसल ले आते हैं, नेचुरल में सीजन की फसल होती है, तो हमने उनको भी कंपटीशन में ला के देखा है। हम काफी क्रॉप ऐसी है जो नेचुरल फार्मिंग में भी अगेती करने में सक्षम है। मान लो हमने रिटेल मार्केट ही नहीं करी, मंडी में कंपटीशन करना है सब्जी को, तो मंडी का तो आपको पता है कि अगर आप अगेती कोई आइटम लेके जा रहे हैं, गोभी है आपके पास, मूली है, गाजर है, सीजन आने से पहले आप लेके जाएंगे तो आपको रेट मिलेगा। अगर आप सीजन में लेके जा रहे हैं, भले ही वो कितनी केमिकल फ्री है, आप उससे कंपटीशन नहीं।